तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, टॉर्क वर्ड बहुत लोगों ने सुना होगा, बाइक्स में यू कितना टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी, कार में यूज़ करते हैं कितना टॉर्क, लिखा भी होता है टॉर्क बाइक्स के मीटर पे लिखा होता है। तो टॉर्क बेसिकली है क्या? टॉर्क है कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स किसी भी बॉडी को अगर घुमा दे, जैसे ये एक घूमने वाली बॉडी है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने घूमना स्टार्ट कर दिया, तो जब ये घूम रही है तो इसमें क्या आया? टर्निंग इफेक्ट। ये टर्न कर रही है, इसमें क्या आया? टर्निंग इफेक्ट। उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क। अब कोई कहता है अच्छा समझ में आ गया, मैंने कहा ठीक है, कहता लाओ सर बॉडी मैं फोर्स लगाता हूँ, मैंने कहा ये ले मैं घुमा के दिखाऊंगा, आपने कहा अगर फोर्स लगेगी तो बॉडी घूमेगी, मैंने कहा हाँ, तो उसने कहा ये बॉडी है, कह रहे देखो फोर्स लगा दी, बॉडी तो घूमी नहीं, मैंने कहा यार ऐसा ना फोर्स लगानी है, तो कहता ये तो आपने बोला ही नहीं, आपने कहा फोर्स लगी बॉडी घूमी, चलो दूसरा सही, वो कहता है ऐसे सही, ये लो बॉडी अभी नहीं घूमी, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ना कर, ठीक तरह फोर्स लगा। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ फोर्स लगाने से बॉडी घूमेगी नहीं, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी उससे बॉडी घूमेगी, यानी कि अकेली फोर्स लगाना बॉडी को घुमा नहीं सकती, फोर्स किसी एंगल पे लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, किस पॉइंट पे लगेगी, इसके ऊपर रोटेशनल मोशन डिपेंड करता है और टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए किसका कॉन्सेप्ट आता है? टॉर्क का या मोमेंट ऑफ फोर्स का। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ, ये मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ वर्ड क्या होता है बताता हूँ, ये क्या चीज़ है। उससे पहले टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपने F10 न्यूटन फोर्स लगाई और आपने बॉडी को ऐसे मारा तो टर्निंग इफेक्ट क्या है? जीरो। टॉर्क क्या है? जीरो। अगर आपने फोर्स को थोड़ा एंगल पे लगाया कुछ टर्निंग इफेक्ट आया, आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाई खूब टर्निंग इफेक्ट आया, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे खूब टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो उस केस में टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम। यानी कि आपकी फोर्स कैसे अप्लाई की गई उस पर सब कुछ मैटर करता है, फोर्स की वैल्यू पे तो मैटर करेगा करेगा, फोर्स कैसे अप्लाई की जा रही है उस पर भी मैटर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मोमेंट ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी बता देता हूँ। देखो ये ना इस चैप्टर में वर्ड यूज होता रहेगा मोमेंट ऑफ, बताता हूँ क्या चक्कर है। तो आपके पास एक एक टाइप की मोशन कौन सी है? लीनियर मोशन है। और एक टाइप की कौन सी मोशन है? एंगुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है। तो पहला कॉन्सेप्ट है जैसे फोर्स का, देखो लीनियर मोशन में हम सिंपली ये कहते थे एक बॉक्स है, आपने फोर्स एफ लगाई और बॉडी डिस्प्लेस हो गई, लीनियरली डिस्प्लेस हो गई, बात खत्म हो गई, ऐसा करते थे। इसके अंदर हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? टॉर्क का, कि आपने फोर्स लगाई जिसे टर्निंग इफेक्ट जनरेट हुआ उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो या फिर इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। तो जब भी मोमेंट ऑफ वर्ड लग जाता है ना मोमेंट ऑफ, तो आपकी लीनियर मोशन ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है? एंगुलर मोशन में। मोमेंट ऑफ लगाने का मतलब कि अब आप उसको रोटेट करने वाले हैं, टर्न करने वाले हैं। तो फोर्स तो वही है, पर मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क। तो वो फोर्स क्या इफेक्ट जनरेट करेगा? टर्निंग इफेक्ट, जिसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया मास का, ठीक है, एक बक्सा लिया, मास एम है और एफ फोर्स लगाई, एक्सलेशन ए आ गई, सबसे सिंपल काम था। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? बॉडी को घुमाना है, और बॉडी को घुमाना है तो मास तो मैटर करता ही करता है, साथ में क्या मैटर करता है? उसकी शेप, की मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। मास अगर 10 kg है लेकिन है मान लो किसी इररेगुलर शेप में है, यार वो टायर नहीं बन सकता, लेकिन अगर सही शेप में है वो टायर बन सकता है। यानी कि इस चैप्टर में घुमा टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए तो आपको शेप को भी कंसिडर करना पड़ेगा, कि कम फोर्स में ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा। और क्योंकि मास को उस चैप्टर में हम क्या बोलते थे? मेजर ऑफ एनर्शिया। एनर्शिया ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है, हम बोलते थे व्हाट इज मेजर ऑफ एनर्शिया, आप बोलते थे मास, जितना मास ज़्यादा होगा एनर्शिया ज़्यादा होगा। इस चैप्टर में हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ एनर्शिया। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, मोमेंट ऑफ। जब हम मोमेंट ऑफ वर्ड लगा देते हैं, यानी कि कौन सी मोशन है? रोटेशनल या एंगुलर मोशन है, और वहां पर मास के साथ क्या मैटर करेगा? शेप। ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है
और मोमेंट ऑफ में रोटेशन में क्या मैटर करेगी, शेप मैटर करेगी। तो ये मोमेंट ऑफ वर्ड यूज होता रहेगा, आपको समझना चाहिए मोमेंट ऑफ लगने से लीनियर मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंगुलर मोशन में। ठीक है, नाम है ये, तो नाम कैसे रखे जा रहे हैं ये बता रहा हूँ। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल टाओ। टाओ या टॉर्क एक ही बात है, ये टॉर्क, टॉर्क वेक्टर है या टाओ वेक्टर, जो मर्जी बोल लो। ठीक है यहाँ तक, तो ये टॉर्क है। टॉर्क निकालने का तरीका आर क्रॉस एफ, अब ये आर क्या है और एफ क्या है इसको समझ लें। तो टॉर्क निकलता है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई डिस्क है या कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, तो किसी भी चीज़ को जब घुमाना है तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और वो है एक्सिस, क्योंकि रोटेशनल मोशन में चीज़ों ने घूमना ही घूमना है, और किस एक्सिस के अबाउट घूमना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो ये कोई बॉडी क्या कर रही है, ये घूम रही है। ठीक है, इसका एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, इसके सेंटर से। ये बॉडी घूम रही है, एक्सिस इसके एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, सपोज करो मैंने एक ये एक्सिस लिया और ये मैंने एक बॉडी को चिपका दिया इसके साथ, जैसे वो पुराने मैंने फ़ैन नहीं आता पंखा, तो वो पंखा एफ ऐसा बन गया। अब मैं बॉडी को ऐसे घुमा रहा हूँ इस पेन के आसपास, तो एक्सिस क्या है, ये पेन एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे घूम रही है। अच्छा, और एग्जाम्पल, डोर दरवाज़ा खोलते हो, हैंडल दूर है पर जो हिंजेस लगे होते हैं पीछे उसका क्या होता है, एक्सिस, उसके अबाउट वो घूम रहा होता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर यही बॉडी है और ये बॉडी अब ऐसे घूम रही है तो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, इसके सेंटर, यहाँ से, राइट। तो एक्सिस वैसे तो गिवन ही होता है, एक्सिस क्या होगा, वैसे आपको कुछ टाइम में एक या दो लेक्चर में अपने आप एक्सिस क्लियरली दिखेगा। तो जैसे इसमें ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसके अंदर पी एक पॉइंट है, तो मैंने इस बॉडी के ऊपर पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट है, तो इसमें मैंने क्या लगाया, एफ फैक्टर लगा दिया। तो पी एक पॉइंट है और मैंने एक एफ फैक्टर लगाया, दिस इज एफ फैक्टर, फोर्स फैक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये एफ फैक्टर। अब एफ फैक्टर कैसे लगा, ये आप पे डिपेंड करता है ना यार, कि मेरे पे तो ना डिपेंड करेगा कैसे, कोई एफ फैक्टर को ऐसे लगाएगा टेंजेंशियल, कोई ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा और कोई ऐसे लगा देगा, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी लगा दो। तो मैंने कैसे लगा लिया, मैंने ऐसे लगाया सच दैट ये रेडियस आर है पर हमने आर वेक्टर लेना है। तो आर वेक्टर का मतलब कि जहां आपने फोर्स को अप्लाई किया और जहां इसका एक्सिस का सेंटर था, ये जो कॉइंसाइड कर रही है बॉडी, एक्सिस पास कर रही है बॉडी में से, तो जहां से पास कर रही है वो ओरिजिन है, यहां से लेके जहां फोर्स लगी ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या चीज है, एक्सिस से लेके जिस पॉइंट पर फोर्स लगी, एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, तो एक्सिस से लेके जिस पॉइंट पर फोर्स लगी वहां का ये डिस्टेंस ज्वाइन कर लो, ये आर वेक्टर है। तो ये आर वेक्टर क्या चीज है, समझ में आ रहा है यहां पर, इस केस में आर रेडियस है, पर कई और केसेस आएंगे जिसमें आर रेडियस नहीं होगा, वो क्या होगा वो दिखाऊंगा क्या होता है। आर रेडियस है पर आपने इसको, मैंने डिफाइन किया ना कि आपने वेक्टर के फॉर्म में लेना है, कि यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर ड्रॉ करो, एक्सिस से लेके फोर्स तक वेक्टर डिफाइन कर लो, जिसका मैग्नीट्यूड आर है पर डायरेक्शन यही होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन है आर वेक्टर की, सच दैट एफ और आर वेक्टर में एंगल कितना है, सपोज थीटा, तो एफ और आर में एंगल कितना है यहां पर, थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो टॉर्क निकालने का तरीका आर क्रॉस एफ, या ओपन करेंगे तो आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ, तो जो कि क्या होगा यहां पर, थीटा। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब इमेजिन कर लें कि आपने जो फोर्स लगाई वो कैसी लगाई, इस बॉडी के साथ टेंजेंशियल लगाई, कैसे, जैसे ये देखो इसका एक्सिस है, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ठीक। तो ऑब्वियस इसमें टॉर्क, खूब टॉर्क जनरेट होगा क्योंकि फोर्स टेंजेंशियल है। आप बस मुझे ये बताओ कि ये एफ वेक्टर है और ये आर वेक्टर, दोनों में एंगल कितना लिया मैंने, 90। तो इमेजिन करो ये प्रैक्टिकली ऐसा दिखेगा आपको, मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, टेंजेंशियल, और आर के साथ एंगल क्या बना रहा हूँ,
90, आर वेक्टर बाहर की तरफ है, एफ वेक्टर टेंजेंशियल है, आर और एफ में एंगल 90, और सबको पता है अगर फोर्स टेंजेंशियल है तो टॉर्क इसमें मैक्सिमम है। तो साइन 90 में टॉर्क, क्योंकि साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, इस बॉडी पे आर वेक्टर ये रहा, मान लो इसका आर वेक्टर है, और मैं फोर्स वेक्टर कैसे लगा रहा हूं, इसको खींच रहा हूं ऐसे, इस बॉडी को ऐसे, तो बॉडी घूमेगी नहीं, क्योंकि मुझे फोर्स टेंजेंशियल लगानी पड़ेगी। अगर मैं फोर्स ऐसे खींच रहा हूं बाहर की तरफ, तो एफ बाहर की तरफ है, आर भी बाहर की तरफ है, तो एंगल उनके बीच में क्या हो जाएगा? जीरो। तो टॉर्क क्या होगा? जीरो। जब आर और एफ में एंगल ही नहीं बनेगा, आर भी बाहर की तरफ है और फोर्स भी बाहर की तरफ है, तो एंगल बिटवीन है। ऐसा कभी होता है कि बॉडी को घुमाने, ऐसे फोर्स लगाने में ऐसे मारना शुरू कर दो, ऐसे खींचना शुरू कर दो, बॉडी नहीं घूमेगी। तो एंगल उनके बीच में क्या हो जाएगा? जीरो। टॉर्क जीरो। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। और टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब फोर्स किसी भी बॉडी पे कैसे लगती है? टेंजेंशियल लगती है। इसको समझने के लिए अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये क्या बता रहा है आपको? ये तो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हैं। हालांकि मैंने इसमें तीन मेथड से टॉर्क को डिफाइन किया और टॉर्क को सॉल्व किया, पर मैं नहीं चाहता आप तीन मेथड करें, अननेसेसरी उल्टा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। एक ठीक है, दो ठीक है, तीन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि मैंने किया, तो मैं सिर्फ मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 3 ही डिस्कस करूंगा। मेथड 2 बुक्स में गिवन है, पर मैं यूज़ नहीं करता उसे, और काफ़ी लोग यूज़ भी नहीं करते, तो मैं मेथड नंबर 1 से चलता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, मेथड 1 तो मैंने करवा भी दिया अभी आपको, यही तो करवाया। जैसे सपोज फिर से देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सपोज करो एक पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी सर्कल में घूम रहा है या रोटेट कर रहा है। तो मैंने पूरा रोटेशन शो नहीं किया, पर इट्स अ पार्ट ऑफ अ रोटेशनल मोशन, ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा होगा? इस पर टॉर्क लगा होगा। टॉर्क लगाने के लिए किसने क्या लगाई होगी इसके ऊपर? फोर्स लगाई होगी। तो सपोज इस पॉइंट पर फोर्स ये एफ वेक्टर लग गया, ये मैंने लगाई फोर्स, एफ वेक्टर यहां लगा दी, एफ वेक्टर हो गया। अब एक्सिस ढूंढना पड़ेगा, गिवन है एक्सिस ओ ओरिजिन है, तो ये जो पॉइंट है इस एक्सिस को रेफरेंस मानते हुए, परपेंडिकुलर एक्सिस मानते हुए इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो आर वेक्टर क्या समझाया था? एक्सिस से लेके, आर वेक्टर क्या होता है? एक्सिस से लेके जहां आपकी फोर्स लगी उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर। क्लियर है यहां तक? तो आर वेक्टर क्या चीज है? एक्सिस से एफ वेक्टर जहां पे लगा, इन्हें ज्वाइन कर दो, ये आर वेक्टर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो आर वेक्टर को थोड़ा अगर एक्सटेंड करें, तो एफ और आर में एंगल सपोज कितने हैं? थीटा। तो बोलो टॉर्क क्या लगेगा इसमें? आर एफ साइन थीटा। तो ये पहला मेथड क्लियर है, कुछ भी नहीं करना यार, आर और एफ में एंगल ही तो ढूंढना है, आर एफ साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ मेथड नंबर 3 में। कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, कई बार ये गिवन होता है कि आपको ना तो वो आर देगा ना आपको थीटा देगा। क्वेश्चन वही है, एक पी पार्टिकल है और वही सर्कल में घूम रहा है, या आर वेक्टर है या एफ वेक्टर, ये थीटा, ना तो आपको आर देगा ना आपको थीटा देगा, एफ देगा, और साथ में एक और चीज़ देगा, वो कहेगा कि अगर आप एफ को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाओ, ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे एफ वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा कितना? डी। डी देगा वो आपको, एफ देगा और डी देगा, और कहेगा टॉर्क निकाल दो। तो डी डिस्टेंस है क्या? एक्सिस से फोर्स वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो चीजें देगा। तो अब आपको टॉर्क निकालना क्या आता है? आपको ये पता है कि भैया मेरे को तो ये पता है कि ये मेरा अगर आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है और एंगल इनके बीच में थीटा है, तो टॉर्क क्या होगा? आर एफ साइन थीटा। साइन, और अगर ये थीटा है तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? थीटा। तो अगर ये थीटा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा क्या होगा? डी डिवाइडेड बाय आर। तो साइन थीटा डी बाई आर, आर से आर कैंसल, आंसर एफ इन टू डी। एक शॉर्टकट बन गया, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये, कि अगर आपको आर और थीटा नहीं गिवन ना, और आपको क्वेश्चन में डी गिवन है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ इन टू डी। अब एफ का मतलब क्या है? फोर्स, और डी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस कहाँ तक? फोर्स वेक्टर तक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हैं? डी। तो आपने कुछ नहीं करना, एफ और डी को मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा। हालांकि फॉर्मूला टॉर्क का यही यूज किया, पर शॉर्टकट बना लिया। तो मैं इसको करके दिखाता हूं कैसे, जैसे लगाना कैसे है। आपको क्वेश्चन आएगा
कि कोई पार्टिकल है पी, इस पी पार्टिकल पे मैं फोर्स लगा रहा था एफ वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, ये रही, तो पी पार्टिकल सीधा जा रहा था। अगर मैं ये एक्सिस मानूं और इमेजिन करूं कि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करे, तो इस एक्सिस को मानते हुए इसका टॉर्क क्या होगा? और आपको ये डिस्टेंस गिवन है एच। अब एक्सिस कहां पर है? एक्सिस ये रहा, ये एक्सिस है। आपको आर नहीं पता, आपको थीटा नहीं पता, आपको सिर्फ एफ पता है और डी पता है। आप एक काम करना, आप इस एफ वेक्टर को कंटिन्यू कर लो पीछे की तरफ, कर लिया, ये एफ वेक्टर है। एफ वेक्टर कहां पर है? किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस के अलोंग मिलेगा? वाई, क्योंकि शॉर्टकट हमने क्या किया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स एफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है? ये एक्सिस है ना, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एच। ए की लाइन में आंसर आ गया कितना? एफ इंटू एच, डन। तो कोई आर एफ साइन थीटा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, एक ही स्टेप में आंसर है। फोर्स अगर एक्स में मिलेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा वाई में ही मिलेगा, और अगर फोर्स वाई में मिलेगी तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा एक्स में ही मिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर पहला मेथड, लंबा मेथड मैंने यूज किया। कोई कहता है मेरे को शॉर्टकट नहीं समझ में आते, असली मेथड बताओ। मैंने कहा असली मेथड ले, ये एफ है, ये रहा एफ वेक्टर, तो तू आर वेक्टर ले, तू शॉर्टकट मत लगा एच वाला, तू आर वेक्टर ले। आर वेक्टर क्या होता है? एक्सिस से जहां पर हमने फोर्स को लगाया, ये आपका क्या वेक्टर होता है? आर वेक्टर होता है। और लेट अस सपोज इसके बीच में एंगल क्या है? थीटा। अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा, तो टॉर्क क्या बनेगा? आर एफ साइन थीटा, और साइन थीटा यहां पर क्या बनेगा? एच बाय आंसर, तो फिर से वही आना है। तो हम ये मेथड क्यों फॉलो करें? तो आज के बाद हम ये मेथड फॉलो वैसे करके दिखाया मैंने, जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप सिंपल एक काम करेंगे, मेथड टू, आप फोर्स लेंगे। फोर्स का बेस्ट तरीका है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, इसका एक्सिस है। तो आप फोर्स वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे कहां से? एच से। तो यहां से ए की लाइन में आंसर आएगा, डन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी आती हैं, वो कहेगा दो स्ट्रिंग्स हैं, दो रस्सियां हैं और एक रॉड है, बांध दिया। तो दो रस्सियों के साथ ये रॉड बंधी हुई है, आपने क्या किया, कैंची ली, इसको काट दिया, तो रॉड नीचे आएगी। रॉड कैसे नीचे आएगी? ये मान लो रॉड है, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, ये रस्सी टूट गई, ये तो बंधी हुई है, स्लो मोशन में देखो ऐसे नीचे गिरेगी, रॉड ऐसे नीचे गिरेगी, रोटेट कर रही है। तो अगर कोई बॉडी, इसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि तो रस्सी बंधी हुई है, लेकिन ये वाला पार्ट मूवेबल हो गया ऐसे, तो अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट करेगी तो एक्सिस क्या होगा इसका? कहाँ? यही एक्सिस होगा, ये एक्सिस होगा और आपकी तरफ होगा ऐसा। कि सोचो इसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी तो एक्सिस यही हो गया ना, टेंजेंट हो गया। फैन घूम रहा था जैसे, ऐसे फैन ऐसे नहीं घूम रहा, फैन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? तो अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ये एंड फिक्स है, तो ये फिक्स एंड ही एक्सिस है। तो इसमें एक्सिस क्या बनेगा? ओ एक्सिस है। तो इसमें टॉर्क जनरेट करना है, टॉर्क कितना जनरेट हुआ? पॉइंट नंबर वन, मुझे ये बताओ रॉड नीचे क्यों गिरी, कौन इसको नीचे लेके आ रहा है? इसका मास की वजह से वेट कहाँ एक्ट करता है? रॉड के सेंटर पे, क्योंकि रॉड में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास पे आ गया ना, सेंटर ऑफ मास। तो वेट कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास पे वेट आ गया mg। ये इसका एक्सिस है। तो ये बताओ कि अगर वेट वाई एक्सिस में है तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? एल बाई टू। रॉड का आधा कितना है? एल बाई टू। और किस एक्सिस में मिलेगा? एक्स में। फोर्स अगर वाई में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर मिलेगा? एक्स में। क्लियर है यहां तक? तो टॉर्क क्या आएगा? एम जी इंटू एल बाई टू। कोई डाउट इसमें? बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एम जी इंटू एल बाई टू। तो कैसे लगेगा टॉर्क, समझ में आ रहा है? थ्योरी थोड़ी लंबी थी, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल तो एक मिनट में आ गया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आ रहा है यहां तक? टॉर्क कैसे निकला? इसमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना होता है? एक्सिस। फिर क्या आइडेंटिफाई करनी है? फोर्स। फिर फोर्स का एक्सिस देखना है, अगर वाई है
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कहां मिलेगा, एक्स में ही मिलेगा, बात खत्म। क्लियर है यहां तक? कपल सुना होगा शायद कईयों ने छोटी क्लास में, कपल। तो कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी में क्या बोलते हैं, कपल लग गया, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक हो गया। तो एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है, तो इसमें नेट टॉर्क क्या होगा, इस कपल में टॉर्क किसकी वजह से होगा, दो फोर्सेस की वजह से होगा, एक्सिस ये रहा, वो एक्सिस है, तो टॉर्क इस एफ की वजह से क्या होगा, एफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या है, ओबी, ओबी। तो टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू ओबी, क्या है पॉइंट, क्लियर है, फोर्स इंटू ओबी। इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स इंटू एओ, क्योंकि एक्सिस ओ है, एफ इंटू एओ, क्या है पॉइंट, क्लियर है। तो टॉर्क की वैल्यू इसमें क्या होगी, एफ इंटू ओबी, और टॉर्क की वैल्यू इसमें क्या होगी, एफ इंटू एओ, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। आगे अब एक बात बताओ कि अगर किस इस बॉडी के ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, इस तरफ ऊपर लग रही है, तो ये बॉडी कैसे घूमने की कोशिश करेगी, ऐसे, ऐसे का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर फोर्स नीचे लग रही है इस एंड पर, तो फिर से ये बॉडी कैसे घूम रही है, एंटी, ये देखो शेप देखो, एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हो, नीचे फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर फोर्स फिर से एंटी, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क, पहला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को घुमा रहा है, तो नेट टॉर्क क्या होगा, दोनों टॉर्क को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो एफ कॉमन आ गया, तो बी ओ प्लस ए ओ की वैल्यू कितनी गिवन है, डी, तो इसकी जगह डी। तो यानी कि अगर आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज गिवन है एफ एंड एफ, एफ एफ इक्वल एंड ऑपोजिट, और उनके बीच में डिस्टेंस गिवन है डी, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू डी, मतलब कोई भी एक फोर्स ले लें दो की जगह और डिस्टेंस लेने उनके बीच में डी, तो एफ इंटू डी आपके पास नेट टॉर्क आ जाएगा। पर अगर एक टॉर्क होता क्लॉकवाइज और एक होता एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड ना होते, बड़े टॉर्क में से छोटे टॉर्क क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है, वो करके दिखाता हूँ अभी कैसे, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आपने दोनों टॉर्क निकाला और दोनों टॉर्क में से ये वाली फोर्स इसको कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी कैसे घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐड कर दिया। इसमें जैसे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक फोर्स इसी बॉडी पे ऊपर है, दूसरी भी ऊपर है, अब ये कपल नहीं है, कपल होता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये कपल नहीं है, तो दोनों फोर्सेस ऊपर हैं, जब दोनों फोर्सेस ऊपर हैं तो ये टॉर्क क्या जनरेट करेगा, एफ इंटू ओ बी, और ये क्या करेगा, एफ इंटू ए ओ, ये कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे करेगा, क्लॉकवाइज। तो फिर दोनों का टॉर्क तो अनइक्वल है, क्योंकि ए ओ और बी ओ डिफरेंट है, तो बड़े टॉर्क में से छोटे टॉर्क को माइनस, मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, वो न्यूमेरिकल में पता लगेगा कौन बड़ा और कौन छोटा, तो नेट टॉर्क इसके इक्वल आएगा। ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है जैसे फोर्स के चैप्टर में, एक फोर्स बड़ी एक फोर्स छोटी, तो बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करके नेट फोर्स आती थी, और अगर दोनों फोर्स बराबर तो नेट फोर्स क्या आती थी, जीरो। ऐसे ही अगर एक क्लॉकवाइज टॉर्क एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, दोनों टॉर्क की वैल्यू बराबर, तो नेट टॉर्क क्या आएगा, जीरो, ठीक है यहाँ तक।